खैरियत जानने के लिए कॉल की है ना आपने? तो सुने, मैं शाजिर से डिवोर्स ले रही हूँ और आमिर से शादी कर रही हूँ। सवेरा प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। डोंट, प्लीज डोंट। अब आपको जो करना है आप करें। आई डोंट केयर। नहीं करना है तुमने ऐसा, प्लीज। सवेरा, सवेरा। ये क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान? वो क्यों है आपसे इतनी नाराज? वो रिसेप्शन पे भी नहीं, और मैंने सुना है कि वो शाजिर से डिवोर्स मांग रही है। एंड शी इज इन टच विद आमिर अगेन। ये क्या तरीका है? पागल हो गई है ये लड़की। उस आमिर ने उसे वर्क लाया है। तुम फिक्र ना करो, उससे बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब आप, मैं बात करूँ। मायंक, माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है और यहाँ पे है कि मामले सुलझ नहीं पा रहे। तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा। अनाया, बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी किसी के मामले में खाम खाम में दखलंदाजी करने की? हर किसी की अपनी जिंदगी है, जो मर्जी करे ना करे। देखा नहीं तुमने? अरे उन लोगों ने तुम्हें अपनी जिंदगी में से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, और तुम अभी भी उन्हीं की फिक्र कर रही हो, उन्हीं के बारे में सोच रही हो। माँ, कोई रास्ता भटक जाए ना तो उसको सीधी राह दिखानी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि भटकने वाला दुश्मन था या दोस्त, अपना था या पराया। पर इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे तो सब बेटा दोस्त ही हैं, दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता, ना तुम दुश्मनी कर सकती हो। तुम जो अपना दिल है ना, को थोड़ा सा सख्त भी कर लेना चाहिए, वरना लोग जो है ना उसे कुचल देते हैं। बेवकूफ समझ के डरपोक समझते हैं, बुजदिल समझते हैं। मां, दुनिया की नजर में उठने के लिए मैं खुदा की नजर में नहीं कर सकती। सहना, चुप कर जाना, सब्र की लानत। सब्र करने वालों के साथ तो खुदा भी होता है। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। माँ, सवेरा भी मुझे सूनी की तरह अजीज है। मैं चाहती हूँ कि वो अपना ये गलत फैसला ना करे। जानती, लेकिन देखा था उसको कैसे वो आई, तुम्हारी बेइज्जती की, खरी खरी सुना के तुम्हें चलती बनी। अरे मैं तो हैरान हूँ कि उसकी माँ भी उसको नहीं रोकती, जो इतनी बातें करती है कि दुनिया के सामने इतना बनती है। माँ, शायद यही उनके किए की सजा है कि आज उनकी अपनी ही औलाद उनसे नफरत कर रही है। खैर, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? बिल्कुल नहीं, तुम थकी भी आई हो, मैं बना के लाती हूँ अपनी बेटी। अरे मैं बना ना, मेरा बच्चा, मैं लाती हूँ ना। आए मेरे, बैठो आराम से, ध्यान से।